सो यार इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी की सारी खुशियां जो है वो बहुत ही ज्यादा डबल होने वाली है। तो क्या सारा सीन है गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो सीट्स हैं, फर्स्ट जो हमारा अलॉटमेंट आया था बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर। लेकिन गाइस, लेकिन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से फाइनली वेकेंट लिस्ट जारी की गई है कि कितनी सारी सीटें वेकेंट है। सो हमें पता चलता है गाइस, क्या पता चलता है कि वहाँ पर सीटें भरी ही नहीं है, 1% सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, यानी कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन्होंने सीटें ली ही नहीं है। व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अच्छा नहीं है क्या? ऐसा क्या हुआ भैया, आखिरकार सीटें क्यों नहीं भरी? तो यार आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया, जो भी टॉपर बच्चे थे या फिर जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, उन लोगों ने क्या किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में आके अप्लाई कर दिया कि हम भी अप्लाई कर देते हैं। काफ़ी सारी गर्ल्स ने भी अप्लाई कर दिया, बिकॉज उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं था, बिल्कुल फ्री पोस्ट था। ओके, एंड बहुत सारे बच्चों ने, बिकॉज इसकी फीस भी काफ़ी कम थी, 300 रुपये फीस थी, जिनके 99% थे उन्होंने भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो CSE वगैरह की आप उनकी परसेंटाइल चेक करिए, काफी ज्यादा परसेंटाइल है। ठीक है, तो वो लोग आए अप्लाई कर दिया। अब जैसे उनको अलॉटमेंट आ गया, अब उनका तो मेन मोटिव था कि यार मेरा 90% है, मेरा 97% है, मेरा 95% है, अब मैं हरियाणा में एडमिशन क्यों लूँ? तो उन्होंने फीस ही पे नहीं की। जैसा कि आप वेकेंट सीट लिस्ट में जाके चेक करेंगे तो बहुत सारी ब्रांचेस तो मैं तो एक भी सीट फिल नहीं हुए। हरियाणा वाले परेशान, भाई ये क्या हुआ, हमारे कॉलेज का अच्छा नहीं है क्या, 99% वाले बच्चे आए नहीं? तो यार आपको बिल्कुल घबराना ही है। हालांकि सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है, ऑलमोस्ट सेकंड में भी यही होने वाला है, बिकॉज ये जो कॉलेजेज होते हैं 2020 तक की अगर मैं बात करूँ, 2020 में BVOC वगैरह ऐसे ऐसे कोर्सेज थे कुछ, जहाँ पे -7 मार्क्स पे एडमिशन कराया था मैंने काफ़ी सारे बच्चों का, -7 मार्क्स, आप समझ सकते हो। और अभी जो काफ़ी सारे बच्चे मेरे को मैसेजेस करते हैं कि भैया 80% है, हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारा एक साल बर्बाद हो जाएगा, रोने लगते हैं काफ़ी बच्चे, भाई माइनस तक में एडमिशन हो जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों की मैं बात करूं 2019-2020 तक की, तो काफी सारे कोर्सेज ऐसे थे जब यूनिवर्सिटी वाले खुद बच्चों को कॉल करते थे कि हेलो हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो बेटा, हमारी सीटें खाली हैं। जी हाँ, ये रियलिटी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी का एडमिशन हो जाएगा, हालांकि कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है, लेकिन अभी कॉम्पिटिशन लगातार कम होता जा रहा है। लॉट ऑफ द स्टूडेंट गेट द सीट इन एनी काउंसलिंग, जस्ट लाइक जोसा, CSAB, रीप, IK गुजरात, पंजाब, जलंधर, डोट डोट, बहुत सारे फॉरन जा रहे हैं, बहुत सारे कनेडा जा रहे हैं, राइट? सो जिन भी बच्चों को अभी तक अलॉटमेंट नहीं आई या फिर जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि हमको एटलीस्ट एडमिशन चाहिए, वो तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारा CUT गाइडेंस प्लान चलता है उसमें एनरोल कर सकते हो। ओनली फॉर 1499 रुपये के अंदर हम आपको अब शॉर्टी देते हैं कि टिल लास्ट राउंड तक आपको कोई ना कोई ब्रांच अलॉट करा देंगे। ठीक है, डोंट वरी, डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। ओके, अब अपन बात करें यार कट ऑफ लिस्ट एंड अदर। तो जैसा कि वेकेंट लिस्ट का PDF का डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर से चेकआउट करिएगा, मजा आ जाएगा आपकी, मतलब थोड़ी थोड़ी खुशियाँ मिलेगी आपको। ठीक है, और जस्ट लाइक मैनी मैनी बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को, आई रिसीव जस्ट लाइक मैनी मैनी कॉल्स फ्रॉम द पेरेंट्स कि भैया आपके वीडियो देखने से हमें बहुत क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है, हमें जस्ट लाइक कि हम खुश हो जाते हैं यार, मुझे नहीं पता कि मैं जैसे इतना अच्छा बोलता हूँ कि आप लोग समझ जाते हो। ठीक है, मुझे भी ऐसा नहीं लगता, कभी कभी तो मैं अपनी खुद की बातें नहीं समझ पाता, लेकिन मेरी वजह से आप लोगों को समझ आ जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस इज वेरी, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। ओके, और भी आपकी कोई क्वारी हो नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ओके, और जस्ट अभी जो है सेकेंड राउंड आया है, ठीक है, जस्ट लाइक सेकेंड राउंड आ चुका है अभी। ओके, जिन भी बच्चों को अलॉटमेंट आया है, लॉगिन पे जाके, एक्शन पे जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फीस पेमेंट करेंगे, उसके बाद थर्ड राउंड आएगा, और उसके बाद अगर सीटें वैकेंट रहती है तो फोर्थ राउंड आ सकता है, या फिर स्पॉट एडमिशन डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये जल्दी जल्दी होगा, टिल दीपावली से पहले पहले ऑलमोस्ट जैसे मान सकते हो सीटें वगैरह ब्लैंक हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो भी टॉपर बच्चे हैं ना, वो तो सेकंड में भी नहीं लेंगे। ठीक है, सेकंड में भी काफ़ी वैकेंट रहेगी। ठीक है, इन लोगों ने सेकंड में भी टॉपर को ही दिए वैसे, तो सेकंड में भी वैकेंट रहेगी, डोंट वरी। ठीक है, थर्ड वगैरह में नॉर्मल बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा,
तो अभी तो ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेज हैं वहाँ पे सारे के सारे टॉपरों को ही मिल रही है, जिनके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, जो कि DU वगैरह के टॉप कॉलेजेज के बच्चे में जिनको होना चाहिए, ठीक है। तो जिनके भी जस्ट लाइक एवरेज परसेंटाइल है, लो परसेंटाइल है, उनका भी टाइम आएगा, ठीक है। आप जस्ट रुको, जरा सब्र करो, आपको लोगों को भी टाइम आएगा, टेस्ट जस्ट घबराना नहीं है, मिलेगा भाई, तुमको भी मिलेगा, इतना मिलेगा जितना सोचा नहीं आप लोगों ने, ठीक है। थैंक यू।